ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। केवल देने का काम संघ अपने बौद्धिक वर्गों में करता है, भाषणों में करता है। केवल एक ही फर्क रहता है, जो लोग भाषण सुनते हैं और संघ में नहीं है उनको एक जानकारी मिलती है, और जो संसद बैठे हैं वो जब उसी जानकारी को सुनते हैं उसी भाषण में, तो उनके मन में विचार आता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही देख रहे हैं, हम ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं। तो स्वयंसेवकों के लिए जो अनुभव वो पा रहे हैं उसका चिंतन स्पष्टीकरण हो जाता है, और जो संघ में नहीं है उनके लिए संघ की जानकारी, संघ का अनुभव लेने के लिए उनकी हिम्मत बने, इसके लिए आवश्यक पर्याप्त। तो आज मैं जो विषय रखूंगा इसी प्रकार का कुछ रखूंगा। संघ का काम क्या है, अभी अमृत वचन आपके सामने कहा गया, उसके बाद एक गीत गाया गया। अमृत वचन ने कहा कि डॉक्टर साहब का संघ के निर्माता का अमृत वचन है कि हिंदू समाज को एक करना है, हिंदू समाज के प्रत्येक घटक को अपना मानना, कुछ नहीं छुआछूत भेदभाव समाप्त करके अपने मन से समाप्त करना, समाज में भी समाप्त करना, अपने मन से प्रारंभ करना। और गीत में कहा गया कि संघ के संयोजक दसों दिशाओं में जाएंगे। क्यों जाएंगे, गीत में ये नहीं कहा है संघ का काम बढ़ाने के लिए जाएंगे, संयोजक जाएंगे तो काम बढ़ेगा, हेतु वो नहीं है। हेतु क्या है, नंदन वनसा अपने देश को सरसा, यही बात हम अपने प्रार्थना में रोज कहते हैं, परम वैभव नेतु मेतक राष्ट्रम सफलता हो, अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने का सामर्थ्य हमको प्राप्त हो, ऐसी भगवान से याचना करते हैं। तो संघ का काम इसके लिए है,